घर कैसे बनते हैं? मीनू, वे लोग क्या कर रहे हैं? बस वे घर बना रहे हैं। लेकिन वे घर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें रहने के लिए घर की जरूरत होती है। सोचो कि बारिश हो और हम बाहर रहें। हाँ, हम भीग जाएंगे। इसीलिए बारिश आदि से बचने के लिए घर चाहिए और गर्मी और ठंड से भी बचने के लिए। हाँ भाई, आज सूर्य भी गर्म है। वह कौन है चीनू? वह मिस्त्री है। वह घर बनाता है। हमें मजबूत घरों में रहना चाहिए। यह ईंट है। और यह सीमेंट है। मिस्त्री घर ईंटों और सीमेंट से बनाते हैं। बस देखो, वो घर बना रहे हैं। वह क्या कर रहा है? वह बड़ाई है। वह लकड़ी का काम करता है। घर बनाने में भी वह मदद करता है। हे भगवान, मैं भीग गया। ओ बस, नर सास चाचा नर ठीक कर रहे हैं। तुम वहाँ क्यों गए? अच्छा, वह नल सास है। वह नल को ठीक करता है। बस पीछे आओ, बिजली मिस्त्री के पास मत जाओ। बिजली मिस्त्री कौन होता है? उधर देखो, वह बिजली ठीक कर रहा है। वह बिजली मिस्त्री है। क्या सब लोग एक ही तरह के घर में रहते हैं? अरे नहीं, बस घर कई तरह के होते हैं। इधर देखो बस, इन्हें तंबू कहते हैं। मुझे तंबू अच्छा लगा। यह कैसे बनता है? मुझे भी तंबू अच्छे लगते हैं। ये तिरपाल के कपड़े से बनते हैं। वे मिट्टी के घर हैं। इन्हें झोपड़ी भी कहते हैं। हमने ईंट का घर, तंबू और झोपड़ी देखी। बस क्या तुमने बांस का घर देखा है? नहीं भाई, नहीं, मैंने बांस का घर नहीं देखा। हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? इधर आओ, मैं दिखाता हूँ बांस का घर। वह देखो, बांस का घर। बस बहुत ठंडी जगहों में लोग इग्लू में रहते हैं। इग्लू, वो क्या होता है? ये भी घर होते हैं। ये बर्फ के बने होते हैं। चीनू, मैं इग्लू में रहना चाहता हूँ। बस इग्लू बहुत ही ठंडे जगहों में ही होते हैं। मीनू, चलो घर चले, माँ इंतजार कर रही होगी। माँ, हम आ गए। आप कहाँ हो? माँ तो रसोई घर में है, हमारे लिए पूरियां बना रही है। पूरियां। लेकिन रसोई घर किसे कहते हैं? रसोई घर वह जगह है जहाँ खाना बनता है। बस तुम्हें तो हमेशा खाने की ही सूझती है। बस चुप, धीरे बोलो।
शोर मत करो, दादी माँ सो रही है। दादी माँ कहाँ है? वह तो शयन कक्ष में सो रही है। चीनू बस कुछ जानना चाहता है। बस शयन कक्ष वह कमरा है जहाँ हम सोते हैं। अच्छा, अब समझा। चलो अब पूरी खाते हैं। चलो स्नान घर में हाथ धोकर आते हैं। हमारे हाथ अभी गंदे हैं। स्नान घर? हाँ, जहाँ हम नहाते या स्नान करते हैं उसे स्नान घर कहते हैं। वहाँ हम अपने हाथ पांव तथा कपड़े भी धोते हैं। हाँ हाँ, चलो जल्दी से हाथ धो लेते हैं, मुझे तो पूरी खानी है। चलो पिताजी को भी बुला लाते हैं, वह बैठक में है। मैं बताऊंगा। बैठक उस जगह को कहते हैं जहाँ लोग बैठते हैं। बहुत बढ़िया। बस अच्छा, जरा यह तो बताओ कि जहाँ हम खाते हैं उस कमरे को क्या कहते हैं? मुझे पता है, मुझे सब पता है, खाने का कमरा। बस तुम्हारा जवाब गलत है, इसे तो भोजन कक्ष कहती है। मीनू, क्या मैंने गलत कहा? चीनू शरारत नहीं, बज ने भी सही कहा, इसे भोजन कक्ष के साथ साथ खाने का कमरा भी कहते हैं। खाना खाने को हम भोजन करना भी कहते हैं, इसलिए इसे भोजन कक्ष कहते हैं। कोई बात नहीं, बस इतना मजाक तो चलता है, चलो पूरियां खाते हैं भोजन कक्ष में। दोस्तों आओ देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। दोस्तों बस को आपकी मदद चाहिए, क्या आप उसकी मदद करोगी? मगर उत्तर जोर से बोलना। घर कौन बनाता है? मिस्त्री। लकड़ी का काम कौन करता है? बढ़ई। बिजली का काम कौन करता है? बिजली मिस्त्री। अलग अलग तरह के घरों के नाम बताओ। तंबू, ईंट का घर, झोपड़ी और इग्लू। आपका घर किस चीज का बना हुआ है? चलो मिलान करें। इग्लू। इग्लू। ईंट का घर।
ईंट का घर। झोपड़ी। झोपड़ी। तंबू। तंबू। बांस का घर। बांस का घर। इग्लू। ईंट का घर। झोपड़ी। बांस का घर। चलो इन तस्वीरों को इनके नाम से मिलाएं। भोजन कक्ष। भोजन कक्ष। बैठक। बैठक। रसोई घर। रसोई घर। स्नान घर। स्नान घर। शयन कक्ष। शयन कक्ष। भोजन कक्ष। बैठक। रसोई घर। स्नान घर। शयन कक्ष। चलो खाली स्थान को भरते हैं। मिट्टी से बने घर को कहते हैं झोपड़ी। तंबू। मिट्टी से बने घर को झोपड़ी कहते हैं। पर से बना घर कहलाता है तंबू। इग्लू।
बर्फ से बना घर इग्लू कहलाता है। सोने के कमरे को कहते हैं स्नान घर, शयन कक्ष। सोने के कमरे को शयन कक्ष कहते हैं। वह कमरा जहाँ हम खाते हैं कहलाता है भोजन कक्ष, रसोई घर। वह कमरा जहाँ हम खाते हैं भोजन कक्ष कहलाता है। जहाँ भोजन पकाया जाता है उसे कहते हैं रसोई घर, स्नान घर। जहाँ भोजन पकाया जाता है उसे रसोई घर कहते हैं। वह कमरा जहाँ सब बैठते हैं कहलाता है भोजन कक्ष, बैठक। वह कमरा जहाँ सब बैठते हैं बैठक कहलाता है। मिट्टी से बने घर को झोपड़ी कहते हैं। बर्फ से बना घर इग्लू कहलाता है। सोने के कमरे को शयन कक्ष कहते हैं। वह कमरा जहाँ हम खाते हैं भोजन कक्ष कहलाता है। जहाँ भोजन पकाया जाता है उसे रसोई घर कहते हैं। वह कमरा जहाँ सब बैठते हैं बैठक कहलाता है। क्या तुम अपने घर की तस्वीर बना सकते हो? इसे अपनी कॉपी पर बनाकर उसमें रंग भरो। अच्छा दोस्तों, अलविदा।